हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज के चैनल में। मैं अनिल कुमार यादव सूरज एक बार फिर से हाजिर हूँ। अवकलन, जैसा कि भाग एक हमने अवकलन के बारे में बता दिया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाग एक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, भाग एक को जरूर देख ले। यदि आप भाग एक को नहीं देख पाते हैं तो आपको ये भाग टू नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पहले भाग एक को देख लें, उसके बाद भाग टू को देखें। तो चलिए बताते हैं भाग टू अवकलन। इसमें क्या बताएंगे, फलन का अवकलन किस प्रकार से होता है और भी कुछ फॉर्मूले से बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं, जो कि इंटर लेवल, हाई स्कूल लेवल एंड बीएससी एंड बीबीए बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसको आपको बहुत कुछ हासिल हो सकती है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रकार से बताया गया है कि आप एक बार में क्लियरली समझ लेंगे और आपको किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तब। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए सबसे पहले आपको भाग एक देखना पड़ेगा, भाग एक देखने के बाद भाग दो देखना पड़ेगा, देखने के बाद तब आप डिसाइड कीजिएगा और कमेंट में जरूर पूछिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फलन का अवकलन बताते हैं। तो पहले फलन का अवकलन करने के लिए पहले एक फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, df/dx इज इक्वल टू df/dt इंटू dt/dx। ये कोई फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसा है, जैसे कि ये इसका मान निकालना है तो यहाँ पे df/dt इंटू dt/dx, dt से कट जाएगा तो df/dx ये चीज मिल जाएगा। तो हमें इस तरह से सपोज करके फलन का अवकलन निकालना है। तो इसमें इस वीडियो में हम ये बताएंगे। और दूसरा, ये तो नंबर वन। नंबर टू क्या बताएंगे, नंबर टू प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन बताएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो होते हैं उनके यहाँ पे बताए जाएंगे। चलिए वो छह का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, 1/√1 - x²। ये फॉर्मूला होता है। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। चलिए दूसरा फॉर्मूला बता देते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1/√1 - x²। नंबर थ्री, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 + x²। ये नंबर थ्री फॉर्मूला। नंबर फोर, कोसेक इनवर्स x का -1/x√x² - 1। पांचवा फॉर्मूला है sec इनवर्स x का बराबर 1/x√x² - 1। एंड सिक्स जो फॉर्मूला है कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स x बराबर -1/1 + x²। ये हम यहाँ पे छह फॉर्मूले बता दिए हैं। ये त्रिकोणमिति फलन के हैं। ये छह फॉर्मूले हमने बताए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के हमने छह फॉर्मूले बताए। इस छह फॉर्मूले के आधार पे हम यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले हैं, और जो पहला फलन का अवकलन है उस प्रकार से हम क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। साइन x², ये कोई क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। y बराबर साइन x² ले लेते हैं। अब मानते हैं, माना t इज इक्वल टू x², क्योंकि हम x² को डायरेक्ट ऐसे हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन t बराबर मान लेते हैं x²। तो हमारा ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर साइन x² बराबर हमने क्या माना है t, तो हो जाएगा sin t। हमें sin t का फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम जिसके सापेक्ष करते हैं उसी का अवकलन करते हैं, तो चलिए करते हैं। डी वाई बाई डी टी बराबर साइन टी को हल करेंगे, ये हमारा साइन टी। अब इसको हल कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन टी का कॉस टी। फिर कॉस टी का हमने क्या माना था, टी बराबर हमने माना है एक्स स्क्वायर, तो लिख देते हैं टी बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमने रख दिया टी का मान। फिर हमने जो टी बराबर ये एक्स स्क्वायर माना है, अब उसको लेते हैं टी बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मानते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सॉरी दोस्त, t बराबर एक्स स्क्वायर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dt अपान dx बराबर d बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये इसको हल कर देंगे, हो जाएगा 2x। ये तो हमने हल कर लिया। अब वो फॉर्मूला रख देते हैं जो हमने फॉर्मूला पहले से बताया था, dy वाई बाई डी एक्स बराबर d बटे डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स, ये हमने फॉर्मूला रख दिया। इस फॉर्मूले पे रखते हैं d अपान डी टी। डी अपान डी टी का मान जो आया हुआ है वो है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी अपन डी एक्स। डी टी अपन डी एक्स का मान ये निकला हुआ है यहाँ पे 2x। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x का तो वैसे नॉर्मली हम लोग कर नहीं पाएंगे, इसके लिए फलन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे, क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना साइन एक्स बराबर टी, पूरे साइन एक्स को ही टी मान लेंगे तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, वाई बराबर टी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये t का सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर ये 2t, इसका सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2t। यार 2t का क्या मान हमने माना हुआ है, साइन x। t बराबर हमने माना हुआ है साइन x, वही मान यहाँ पे रख देंगे। फिर जो हमने माना हुआ है उसको भी लेते हैं, क्या माना हुआ है, साइन x बराबर t माना हुआ है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अब ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड तो हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन x, और इस साइड हो जाएगा dt अपान dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन किए तो इसका तो हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dt अपन dx। ये तो हमने कर लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हमें लगाना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूला ये कैसे अप्लाई करते हैं ये देख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी अपान डी टी, जो निकाला हुआ है हमने वो कहाँ पे है, वो देखिए यहाँ पे जो आया हुआ है 2 साइन एक्स है ना, डी वाई बाई डी टी, ये है फॉर्मूला, सॉरी ये है डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का मान टोटल कितना है, 2 साइन एक्स, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू डी टी अपन डी एक्स, ये है डी टी अपन डी एक्स का मान कॉस एक्स। अब इसको हल कर लेंगे 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे बताते हैं y बराबर log sin x की पावर cos x। ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में कठिन नहीं होता है दोस्त, देखने में कठिन नहीं होता है, बस उसे आप यदि सरल करते हैं तो वो सरल ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, log sin x की पावर cos x है, यहाँ पे log लगा हुआ है तो हम यहाँ पे फिर एक बार बताएंगे log 2 पावर 3 ये जो होता है इसका, इसको यदि हल करते हैं तो हो जाता है 3 log 2 जो इस प्रकार से ये पावर आगे जाता है उसी प्रकार से इसमें करना है। ये हो जाएगा y बराबर cos x इंटू लॉग साइन x, ये हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन इस रूप में चेंज हो गया, अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए यहाँ पे क्या है cos x इंटू लॉग साइन x, मतलब ये गुणा के रूप में हो गया, दो पद, एक पद ये एक पद ये, पहला पद और ये दूसरा पद, दो पद मिल गया तो गुणा है। ये गुणा का फॉर्मूला हमने बता दिया है भाग एक में, यदि आप भाग एक नहीं देखें तो एक बार फिर से कहेंगे भाग एक अवकलन देख लीजिए। चलिए फिर से इसको बता देते हैं, क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन लॉग साइन एक्स, फिर प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद इसको हल करना है। cos x तो वैसे ही रहेगा, log sin x है ना, यहाँ पे log sin x जो है वो हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि log x बराबर होता है 1/x, तो log sin x बराबर 1/sin x, फिर प्लस ये log sin x, cos x के बराबर होता है -sin x। ये अब इसको हम हल कर देते हैं, cos x अपन sin x बराबर cot x, ये हो गया cot x प्लस ये है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये उठकर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये जो माइनस यहाँ उठकर यहाँ आ जाएगा log sin x cos x, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए और भी क्वेश्चन बता देते हैं, नंबर 4। स्टूडेंट यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमें नहीं समझ में आया, तो हम कमेंट के जरिए भी आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रतिलोम से रहेगा, जैसे y बराबर साइन इनवर्स x बटे a, यह है इसका अवकलन करना है। क्या करेंगे, पहले हम साइन इनवर्स x का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, इतना बराबर होता है 1/√1 - x², ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के जरिए हम बताएंगे। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स, इस टोटल को x मान लेते हैं, मान लो ये टोटल x है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/√1 - x² है, x हमारा क्या है x/a है, ये टोटल x है x²। फिर ये जो x होता है इसका भी तो अवकलन होना चाहिए, क्योंकि फलन का अवकलन से यदि करते हैं तो इसका भी एक बार होना चाहिए, मतलब x/a का अवकलन करेंगे तो 1/a, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हल कर देते हैं 1/√1 - x² अपॉन a², इंटू 1/a ये हो गया। फिर अब इसको क्या करते हैं, इसको भी हल कर देते हैं, इसको भी हल कर देते हैं। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a से ये कैंसिल, ये बचेगा आपका 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 5 ले लेते हैं, जैसे लॉग 10 इनवर्स एक्स, ये कोई क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए लॉग 10 इनवर्स एक्स, ये साफ दिख रहा है कि फलन के अवकलन से ही लगना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं log x, यहाँ पे टोटल x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा log x, और log x का हमें अवकलन निकालने आता है। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पे मानते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर t, ये मान लिए तो ये क्या हो जाएगा y बराबर log t, ये हो जाएगा y बराबर log t, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका हमें क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dt बराबर log t का 1/t होता है, या 1/t के स्थान पे क्या रखेंगे tan इनवर्स x, t का जो मान है वो रखेंगे, ये हो गया। फिर हमने जो माना हुआ है, क्या माना हुआ है, t बराबर tan इनवर्स x, ये हमने माना हुआ है। अब यहाँ पे तो मान लिया, लेकिन अब यहाँ पे भी x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा dt अपान dx बराबर d/dx tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/1 + x², ये हो गया। फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला होता है dy/dx बराबर dy/dt इंटू dt/dx, ये फॉर्मूला लगाएंगे। dy/dt का मान क्या है देख लेते हैं, dy/dt का मान है 1/tan इनवर्स x, वहीं रख लेते हैं, इंटू dt/dx, यहाँ पे dt/dx का मान है 1/1 + x², इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + x² और tan इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, जैसे y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, ये .. इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके भी बुक में इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बताते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, वाई बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे तो हमने लिख दिया कॉस एक्स प्लस, उसके बाद ये जो सारा ये टोटल जो आता जाता है ये किसके बराबर है, वाई के ही बराबर दिया गया है। तो वहां पे लिख देते हैं वाई, क्योंकि इसके बाद जितने टोटल है या यहाँ से ले लो या यहाँ से ले, सब किसके बराबर है, ये सब वाई के बराबर है। तो वही लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, लिख लिए। अब लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y² बराबर cos x प्लस वाई, ये अंडर रूट हट जाएगा। फिर इस y को इस साइड भेज देते हैं, y² माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy/dx, फिर माइनस इसका हो जाएगा dy/dx, और इधर cos x का होता है माइनस साइन x। ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 2y माइनस ये बचेगा 1 बराबर माइनस साइन x। ये हो गया। अब इस टोटल को हम नीचे भाग में भेज देते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स अपान 2y माइनस 1, फिर dy बाई डी एक्स बराबर, इसको हम इस साइड चेंज करते थे, इसको प्लस कर देते हैं, साइन एक्स अपान 1 माइनस 2y कर लो, इसको चेंज कर लो और इसको प्लस बना देते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो बताते हैं वो हम बताते हैं समीकरण का अवकलन। जैसे कोई समीकरण रहेगा उसका अवकलन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक समीकरण है, इस समीकरण का हमें अवकलन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, इस साइड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये अचर है, अचर का अवकलन जीरो होता है। फिर 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा जीरो, तो जीरो को तो छोड़ देते हैं। अब इस x को उस साइड भेजते हैं, y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स या dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बटे y। ये आपका हो जाएगा आंसर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कोई क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, पहले x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा 4a, फिर dy बाई dx बराबर 4a अपान 2y, इससे ये कट जाएगा, dy बाई dx बराबर a अपान वाई। ये हो गया a अपान वाई, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 2a अपान वाई, ये तो हो जाएगा 2a अपान वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज और कहेंगे, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ और बताते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।